बड़नगर में लगातार कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आज बीती रात आए कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट में 31 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन द्वारा नगर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार दुकानदारों पर आम नागरिकों को समझाइश दी जा रही है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी मनीष मिश्रा, जिन्होंने कल ही बड़नगर थाना प्रभारी के रूप में पदभार संभाला है, SDM डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण क्या क्या, साथ ही दुकानदारों को दुकान न खोलने की समझाइश भी दी गई। वहीं मेडिकल अस्पतालों को निरीक्षण SDM थाना प्रभारी व नगर पालिका CMO तहसीलदार सुरेश नागर द्वारा किया गया। नगर के डावी चौक, गांधी चौक, कोट चौराहा, संगम चौराहा आदि प्रमुख चौराहों पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी कि भयभीत ना करें और लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहें। साथ ही प्रशासन द्वारा कहा गया कि जो लोग प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ेंगे, उन पर सख्ती से प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण बड़नगर में एक बार फिर पिछले वर्ष की तुलना में भी ज्यादा तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में अब लोगों को इससे संभलने की बहुत जरूरत है, नहीं तो बड़नगर में स्थिति और भयावह हो सकती है। बड़नगर से विजय सोलंकी की रिपोर्ट। से कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है, वो क्या है, कितने मरीज यहाँ पे निकले? जैसे कल हमारे यहाँ 31 लोगों की पॉजिटिव आने की खबर आई थी, जिसमें हमने पूरा एनालिसिस किया, जिसमें पाया कि हमारे तहसील के 28 मरीज है और 3 अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं। 28 में से 18 जो है रूरल एरिया के हैं और 10 हमारे शहर के हैं। 10 ही लोगों के पास में जाके हम लोग, हमारी जो टीम बनी है, कोर कमेटी टीम है कोरोना को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें तहसीलदार साहब है, PI है, फिर हमारे CMO है और बाकी सभी अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं। हम लोग ऐसे लोगों के पास जाके उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, प्रोबेबल सोर्स ढूंढ रहे हैं और कितने लोगों के संपर्क में आए हैं लास्ट 3-4 डेज से वो पता कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही अवेकिंग कॉल है कि हम लोग जो है सभी को लॉकडाउन का पालन करवाएं। जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, हमें सबको इसमें जागरूक रहने की, सावधानता बरतने की जरूरत है। सर, ये जो आज दुकानें खुली थी, शराब दुकानें भी खुली थी और कई दुकानदार भी दुकानें